हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, इंजीनियर एट साइट पर। और मैं आज आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको प्लम्बिंग में यूज़ होने वाले पाइप के बारे में बताऊँगा कि कौन सा पाइप ज़्यादा अच्छा होता है लगाने के पर्पस से और स्ट्रेंथ के पर्पस से। तो आप इस फोटो में देख रहे होंगे कि ये जो टैंक है, पहले मैं आपको ये टैंक दिखा देता हूँ कि टैंक का आप ये टैंक देख रहे होंगे कि जब आप इस टैंक को छत पर रखते हैं तो इसको कनेक्ट करके इसके पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको नीचे बिल्डिंग में ले जाना होता है। तो इस टैंक की कैपेसिटी यहाँ पर देख सकते हैं आपकी 1000 लीटर की कैपेसिटी है। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है ये इनलेट का पोर्शन है कि यहाँ से पानी जो है इनलेट किया जाएगा इसके अंदर। और पाइप लगाने के लिए ये जगह जो होती है, हर जगह जो भी आप टैंक खरीदते हैं उसमें ये जगह बनी होती है कि यहाँ से पाइप को इनलेट करना होगा आपको, और आउटलेट करने के लिए भी पाइप में एक जगह दी होती है और वहाँ पर भी ऐसे ही क्लियरली मेंशन होता है कि आउटलेट, यहाँ से पाइप से पानी निकालने के लिए आपको पाइप जो लगाया जाता है वहाँ पर आउटलेट लिखा होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं इस टैंक के चारों तरफ बनी हुई हैं, मैं आपको रोटेट होकर के दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस साइड तो मैंने आपको दिखा दिया और ये अदर साइड है जो कि थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी ये इनलेट का पोर्शन ये लिखा हुआ है और आउटलेट का नीचे भी कनेक्टेड है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि ये टैंक जो होता है आपको कौन सा सूटेबल होता है, कौन सा अच्छा होना अच्छा लेना चाहिए। टैंक टैंक जो होता है 3 लेयर वाला आपको लेना चाहिए जो कि ज़्यादा जिसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जिससे कि ये कभी भी धूप में या फिर पानी में, पानी जब भी हम टंकी हमारी फुल हो जाती है और मोटर का पानी रेगुलरली आता रहता है तो उसमें टैंक के फटने के चांसेस कम होते हैं। 3 लेयर वाली ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इन कंपेरिजन अदर लेयर 2 और 1 लेयर। तो और इसको आपको फर्स्ट क्वालिटी में लेना होगा। जब भी आप लेंगे तो आपने देखा होगा कि कलरफुल टैंक भी होते हैं, वाइट कलर के टैंक होते हैं, ग्रीन कलर के टैंक होते हैं, ब्लू कलर के टैंक होते हैं। तो आप जब भी वाइट कलर का टैंक लेंगे तो ये आपके फर्स्ट क्वालिटी में आते हैं, काउंट किए जाते हैं। जो ब्लैक कलर के टैंक होते हैं वो थर्ड क्वालिटी में होते हैं। थर्ड क्वालिटी मतलब वो इन स्ट्रेंथ उनकी भी ज़्यादा होती है, लेकिन थर्ड में उनको इसलिए रखा गया है क्योंकि वो जो है आप जो आपकी वेस्ट प्लास्टिक होती है उसको पिघला करके मिक्सचर कर करके उसका तब उसको बनाया जाता है। स्ट्रेंथ उसकी भी कम नहीं होती, लेकिन उसको ग्रेड के अकॉर्डिंग अलग रखा गया है। तो जो फर्स्ट ग्रेड वाली टैंक होते हैं या प्लास्टिक होती है वो वाइट कलर में होती है, ब्लैक कलर वाली आपकी इसी तरह से होती है कि आपके बहुत सारे प्लास्टिक्स को एक जगह मिला करके वो तब बनाई जाती है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों, पाइप के बारे में बता रहा था मैं आपको। तो पाइप जो हम टैंक में यूज़ करते हैं, तो पाइप हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहले टाइप का जो पाइप होता है एक होता है ये आप देख रहे होंगे वाइट कलर का। तो वाइट कलर के पाइप जो होते हैं वो होते हैं CPVC पाइप। CPVC पाइप का मतलब मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, ये होते हैं क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। इनको यूज़ करना बहुत आसान होता है दोस्तों। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ जो पाइप लगा हुआ है, यहाँ से पाइप जो है पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाया कि फ्लोर में जो नीचे के फ्लोर्स हैं उनमें पानी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो मैं बता दूं आपको, ये आपका बॉल वाल्व है जिससे यहाँ पर हम कंट्रोल करते हैं कि पानी नीचे जाएगा या फिर हम उसको यहीं पे रोक सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो है क्लोज का पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर ओपन का साइन बना हुआ है। तो आप इसमें कोई भी कंपनी का पाइप खरीद सकते हैं, लेकिन वो पाइप ISI हॉलमार्क होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये पाइप जो है आपके सुप्रीम, सारे ही पाइप और जो इसके जो छोटे छोटे ये किट जो हैं एल्बो और बॉल वाल्व और ये आपका ये जो है ये सारे सुप्रीम के ही लगे हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये सुप्रीम का है और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये एल्बो भी है, ये भी सुप्रीम का ही है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, इन पाइप को कैसे जोड़ा जाता है। तो इन पाइप को जोड़ने के लिए एक हमारे पास सॉल्वेंट होता है,
आप येलो कलर में कुछ देख रहे होंगे जो लगाते समय बाहर निकल गया था, तो ये सॉल्वेंट से इनको जोड़ा जाता है। तो इनको लगाना बहुत ही आसान होता है। आप अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो इनको खुद से ही घर पर भी अपने आप से आप लगा सकते हैं। इसमें किसी को भी अलग से प्लम्बर को बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो खुद से इन पाइप को जोड़ सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होता है हमारा, यहाँ से पाइप जो होता है टैंक से निकाल जाता है। पहले बॉल वाल्व लगाया था, उसके बाद यूनियन लगाया था। यूनियन का यूज़ ये होता है कि आप कभी भी टैंक को यहाँ से क्लोज करने के बाद और यहाँ से खोल करके अलग कर सकते हैं, इसलिए यूनियन लगाया जाता है। ये आपके एल्बो है, एल्बो का यूज़ होता है कि किसी भी पाइप को टर्न कराने के लिए। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए एक और एल्बो लगी हुई है कुछ इस टाइप से। आप देख रहे होंगे कि दोस्तों ये पानी का फ्लो जो है नीचे की ले जाने के लिए ये पाइप को कनेक्ट किया हुआ है। अब आप एक और देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ग्रीन कलर का पाइप लगा हुआ है, ये आपको बता रहा था कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ग्रीन पाइप लगा हुआ है, इस ग्रीन पाइप को बोलते हैं PPR पाइप। ये PPR पाइप भी यही काम करते हैं कि पानी के फ्लो को नीचे ले जाने के लिए। और इसमें PPR जो नाम है इनका, इसमें PPR का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ आपको। PPR की फुल फॉर्म होती है पॉली प्रोपाइलीन रैंडम को पॉलीमर प्लास्टिक के नाम से इनको जाना जाता है। लेकिन शॉर्ट में अब आप दुकान पर जाएंगे तो इतना बड़ा नाम नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, आप सीधे PPR पाइप और या फिर CPVC पाइप बोलकर भी कोई भी आप पाइप को चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ग्रीन पाइप जो होते हैं PPR वाले पाइप, इनको लगाना सा थोड़ा सा आपको स्किल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनको लगाने के लिए एक मशीन का यूज़ होता है। उस मशीन को लाइट से कनेक्ट करके पिघला करके इन पाइप को तब जॉइंट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये भी उसी टाइप से लगा हुआ है पाइप। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ये भी आउटलेट ही लगा हुआ है, देखिए। और इनको लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें एक बार पाइप को अगर चिपका दिया जाए, अगर वो थोड़ा सा भी मूव कर गया तो उसमें लीकेज रह जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये पाइप में मैंने आपको आउटलेट दिखाया था, और ये ऊपर की साइड में जो है इनलेट लगा हुआ है। इनलेट का पाइप है, यहाँ से क्या होता है, समर्सिबल का पाइप लगा रखा है इसको, और यहाँ से पानी जो है टैंक के अंदर फिल किया जाता है। आप ये देख रहे होंगे वायर जो लगा है दोस्तों, ये वायर का यूज़ क्या है, ये वायर यहाँ पे इसलिए लगा है कि जिससे कि आपका जो टैंक है, मैं टैंक को खोल करके आपको दिखा देता हूँ कि जब इस टैंक को फुल हो जाने के बाद ये टैंक को ओपन कर दिया जाता है नीचे लाइट से कनेक्ट करके, और जब ये टैंक फुल हो जाता है तो ये देखिए ये अर्थिंग का सिस्टम मैंने यहाँ पे किया हुआ है, जिससे क्या होता है कि जब टैंक फुल हो जाता है तो यहाँ पे दोनों वायर एक साथ अर्थिंग ले लेते हैं और नीचे मेरा टैंक अलार्म जो है वो बजने लगता है। और इससे क्या होता है, पानी की बचत होती है, कभी भी मेरा जो पानी है वो वेस्ट नहीं जाता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी भी जिसने समर्सिबल लगाया हुआ है, इस अलार्म को ज़रूर लगाएं। इससे आप ही के लिए फ़ायदा, ये भी एक और भी फ़ायदा है कि आपका समर्सिबल ख़राब नहीं होगा, समर्सिबल में जो पाइप लगा है वो नहीं फटेगा, क्योंकि जब आपका टैंक के ऊपर ढक्कन लगा होगा तो प्रेशर जनरेट होगा। प्रेशर की वजह से क्या होगा, या तो समर्सिबल का पाइप फटेगा या फिर समर्सिबल ख़राब हो जाएगा, और तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आपका जो टैंक है वो फट सकता है, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का टैंक नहीं खरीदा है तो। तो दोस्तों, ये तो थी पाइप से जुड़ी जानकारियाँ। और दोस्तों, मैं आपको एक लास्ट में एक सेक्शन दिखाना चाहता हूँ पाइप का, जो कि CPVC का पाइप है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक सुप्रीम कंपनी का पाइप लिया हुआ है, जो कि आप इसमें देख रहे होंगे। और ये पाइप जो है, इसका साइज़ जो है 20 mm है, इस पाइप का साइज है, और इसमें क्लास दी हुई है कि ये फर्स्ट क्लास है और SDR पाइप है, 11 CPVC पाइप फॉर पोर्टेबल। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट ये है दोस्तों इसमें, कि ये जो हॉट और कोल्ड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है, कितने डिग्री सेल्सियस तक का वाटर इसमें सप्लाई कर सकते हैं CPVC पाइप के अंदर,
जब भी कभी आप इस पाइप को खरीदेंगे तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि ये पाइप जो है इसकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्ट्रेंथ दी हुई है कि 28.14 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने डिग्री सेल्सियस पर, 27 डिग्री सेल्सियस पर इतनी स्ट्रेंथ इसकी है, और ये कितना लोड बियर कर सकता है, 93 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक बियर कर सकता है, और कितने डिग्री सेल्सियस तक, 82 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर को कवर अप कर सकता है। और पाइप खरीदने से पहले आप कोई सा भी कंपनी का पाइप खरीद सकते हैं। मैं ये आपको ये नहीं कहता हूँ प्रॉपर किसी एक कंपनी का ही मैं इसको प्रमोट ना करके, मैं ये कहता हूँ कि आप ISI हॉलमार्क पाइप ही खरीदें। अब वो चाहे किसी भी कंपनी का हो सकता है, कंपनियाँ तो बहुत सारी हैं। अभी फ़िलहाल में ये जो पाइप है दोस्तों मेरे हाथ में जो है ये है 1.5 इंची का पाइप है। इससे मोटे पाइप भी आते हैं, 1 इंची, 1.25 इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, और भी अलग अलग साइज़ों में पाइप मार्केट में उपलब्ध है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अब मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बताइए कि वीडियो में अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी बनी है, ख़राब बनी है, जैसी भी बनी है, आप मेरे वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।